सब लोग प्लान बनाते हैं, प्लान बनाना मुश्किल काम नहीं है, प्लान हम सब बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन हम उस प्लान का पालन कर पाते हैं या नहीं, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्लान बना रहे होते हैं तो हम अपनी असलियत से भागते हैं। अक्सर हम नए साल में सब लोग प्लान बनाते हैं कि कल 1 जनवरी है, नया साल है, इस नए साल में मैं रोज सुबह उठ के जॉगिंग करने जाऊंगा, रोज सुबह उठ के दौड़ने जाऊंगा। और आप देखेंगे 1 जनवरी को शहर पे भीड़ लगी होती है सुबह 5 बजे सैर करने वालों, और 10 जनवरी होते होते मकर संक्रांति आते आते जो है वो सुबह के सैर करने वाले, फिर जनवरी की ठंड लगती है, मकर संक्रांति तक आते आते उसमें से 90% लोग वापस रजाई में घुस के सो चुके होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम प्लान तो बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन हम उसको 10-15 दिन से आगे तक नहीं ले जा पाते? नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी की प्लानिंग किस तरीके से करें। अगर मैं प्लानिंग के बारे में जनरल बात करूं तो जब भी आप किसी कंपटीशन के परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो आपके स्कूल कॉलेज के परीक्षा से अलग होती है। उस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उस परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप या फॉर्मेट, उस परीक्षा का सिलेबस और उस परीक्षा के पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र। अगर आपको इसकी समझ है तो आप समझ सकते हैं कि वो परीक्षा किस प्रकार की होगी और उसकी कैसे हम तैयारी करें। अगर मैं केवल पीएससी की बात करूं, उसमें भी अगर मैं केवल एमपीपीएससी की बात करूं तो हमने अलग लेक्चर्स में बात की है कि उसके प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होता है, सिलेबस किस तरह का होता है। एमपीपीएससी की परीक्षा जैसा हमने पहले बात करी थी 3 स्टेजेस में होती है, और 3 स्टेजेस में अगर आप देखेंगे तो पहले स्टेज से लेकर दूसरे आखिरी स्टेज तक, पहले स्टेज से पहले एक एप्लीकेशन भरने का एक स्टेज होता है और आखिरी स्टेज के बाद एक फाइनल रिजल्ट का स्टेज होता है। ये जो जर्नी है ये फॉर्म भरने से लेकर और रिजल्ट निकलने तक, अगर इसको हम एक यात्रा के रूप में देखें, ये एक यात्रा है जो एक एक इस स्टेशन से शुरू होती है और उस स्टेशन तक जाती है, तो एमपीपीएससी की यात्रा अगर एक स्टेशन यहाँ प्रीलिम्स का है, एक स्टेशन यहाँ मेंस का है, एक स्टेशन यहाँ पे इंटरव्यू का है, अगर आप हर स्टेशन पर आपकी गाड़ी आगे बढ़ती जाए और किसी स्टेशन पर आपकी गाड़ी ना रुके तो भी यहाँ से वहाँ तक जाने में आपको लगभग 1 से 2 वर्ष लग जाते हैं। अमूमन ये 18 महीने का समय लगता है। बहुत बार परीक्षा का नोटिफिकेशन लेट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, इन एग्जाम की डेट्स चेंज हो सकती है, इंटरव्यू का डेट पहले से अनाउंस नहीं होता, रिजल्ट में कभी कम कभी ज्यादा समय लग सकता है। अमूमन अगर आप देखेंगे तो 17-18 महीने का समय लगता है एप्लीकेशन भरने से लेकर रिजल्ट निकलने तक। अगर आप अपने स्कूल की पढ़ाई की बात करें, कॉलेज की पढ़ाई की बात करें, तो आपकी सारी पढ़ाई, हमारा सारा स्कूल कॉलेज का सिस्टम जो है वो 1 वर्ष का सिस्टम चलता है, कुछ कॉलेज में 6 महीने 4 महीने का सेमेस्टर होता है। कोई भी कोर्स 2 साल तक तो हम करते नहीं हैं, 1 साल करते हैं उसके बाद हम अगले साल में चले जाते हैं। ये एक जो सिलेबस है, इस सिलेबस की तैयारी हमको पूरे 1.5 साल तक लगातार करनी है, प्लस इसके अंदर जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं वो सिलेबस अक्सर बीए या एमए के स्तर का होता है। पीएससी का जो सिलेबस होता है वो स्नातक के या पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल का सिलेबस होता है, जो अमूमन कॉलेज में पढ़ने में 3+2 5 साल लग सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग का रखें तो भी 4 साल पढ़ने में लग सकते हैं। उस सिलेबस को नॉर्मल तरीके से अगर कॉलेज की लाइफ में पढ़ा जाए तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने में हम जनरली 3 से 5 साल लगाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा आप अपने ग्रेजुएशन के आखिरी वर्ष से देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद आप जब तक आपकी लास्ट एज लिमिट नहीं होती तब तक आप दे सकते हैं। तो आपको एक तरह से ये 5 वर्षों का सिलेबस आपको 1.5 वर्ष में इस तरह से करना है कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकें।
तो एक तरफ तो ये समय आपको बहुत अधिक लगेगा कि ये 1.5-2 बरस का की तैयारी है, एक तरफ तो ये समय बहुत लंबा है, दूसरी तरफ ये बहुत समय छोटा भी है, क्योंकि 5 साल के सिलेबस की तैयारी आपको केवल 1.5 बरस में करनी है। ये समय और छोटा है इसलिए क्योंकि ये पूरा 1.5 बरस आपको उस 5 साल के सिलेबस की तैयारी करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बात करी ये जो मेंस की परीक्षा है इसमें ही 100% सिलेबस यहीं पर आ जाएगा। तो आपकी सारे सिलेबस की तैयारी जो है इतने और एप्लीकेशन भरने से मेंस का एग्जाम होने में 10 से 12 महीने का गैप आपको मिलेगा। एप्लीकेशन आवेदन भरने से लेकर मेंस तक पहुंचने में आपको 10 से 12 महीने का गैप मिलेगा, और इस 10 से 12 महीने में ही आपको ये पूरा 5 वर्ष का सिलेबस जो है इसको रिवाइज करना है, इस तरीके से कि आप मेंस के जो अलग अलग पेपर्स होते हैं 4 GS के और ऐसे और हिंदी वो सब आप कर सकें। ये 10 से 12 महीने आपके सबसे क्रूशियल महीने, इन 10 से 12 महीनों को आप किस तरह से प्लान करें। बहुत ज्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने से बहुत पहले से तैयारी शुरू करते हैं। जब भी आप ये तैयारी शुरू करेंगे आपको कम से कम 10 से 12 महीने का समय इस तैयारी में लगेगा, इतना इस सिलेबस का वॉल्यूम है कि इतना समय इसको लगेगा। मैं बात करूंगा कि हम ये 10 से 12 महीने की प्लानिंग किस तरीके से करें ताकि हम परीक्षा के पहले तैयारी भी पूरी कर लें और इस तरह से तैयारी पूरी कर लें कि हम परीक्षा में अच्छा परफॉर्म भी कर सकें। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम एक लंबे कारक अवधि की बात करते हैं, 10 से 12 महीने की बात करते हैं, तो हमको आज हो सकता है आज आप उठे, आज आपने एक लेक्चर अटेंड किया, आज आप किसी IAS अफसर से मिले, कहीं से मिले और आपको लगा कि मुझे भी IAS बनना है और आपके अंदर बहुत जोश आ गया और जाते ही आपने IAS की तैयारी के लिए PSC की तैयारी के लिए इतनी सारी किताबें खरीद ली और अगले दिन ही पढ़ने बैठ गए और बस आपको लगा कि अब मैं पढ़ाई से उठूंगा नहीं और अब मैं पढ़ता रहूंगा अगले 1 साल तक। लेकिन ये ऐसा आपके सोचने में आपकी कोई गलती नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा सोचा, आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आपकी बहुत एनर्जी है, लेकिन आपका जो शरीर है उस शरीर का एक साइकिल है, वो शरीर लगातार 1 साल तक नहीं पढ़ेगा, वो शरीर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कभी ना कभी पढ़ने के बाद वो थकेगा और शरीर कहेगा कि अब मुझे सोना है, अब मैं नहीं पढ़ सकता। केवल शरीर ही नहीं, आपके मन की भी लिमिटेशन है, आपका मन पढ़ाई में पहले 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे तक लग सकता है, उसके बाद आपका मन कुछ और करने का करेगा, आपका मन किसी से बात करने का करेगा, आपका मन घूमने का करेगा और बहुत कुछ और करेगा। इसका मतलब आप 0 से लेकर 100 तक जो आपका समय है, इस पूरे समय आप पढ़ाई नहीं कर सकते। सबसे पहले यह मान लेना जरूरी है कि हम पूरे 100% समय पढ़ाई नहीं कर सकते, तो हमको यह जानना जरूरी है कि हम कितने परसेंट समय पढ़ाई कर सकते हैं और कितना परसेंट समय हमको दूसरे कामों के लिए देना ही पड़ेगा। जब हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम अक्सर 1-1.5 महीने की गर्मी की छुट्टी के लिए एक प्लान बनाते थे। उस प्लान में बहुत बार जब मैं बचपन में था तो प्लान बनता था, वो प्लान कैसे शुरू होता था, वो प्लान शुरू होता था प्रातः 5 बजे उठेंगे और 6 बजे तक क्या करेंगे, योग करेंगे, फिर उसके बाद 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा खेलेंगे, फिर 3 घंटे पढ़ेंगे, फिर डिनर करेंगे और रात के 10 बजे सोएंगे। ये प्लान गर्मी छुट्टी शुरू होती थी 15 मई को, और ये प्लान आपको क्या लगता है कितने दिन चलता था ये प्लान? ये 15 मई से शुरू होता है और 20 मई तक आते आते जो है उठने का समय सुबह 5 बजे से बढ़ते बढ़ते 7 बजे हो जाता है, फिर 8 बजे, और धीरे धीरे 5वें-6ठे दिन के बाद हम ये प्लान अपना भूल चुके होते हैं। फिर गर्मी छुट्टी में लगता है कि थोड़ी देर क्रिकेट खेल लेते हैं, कहीं घूम लेते हैं, वो पढ़ाई लिखाई गई। ये सब हम सब लोग प्लान बनाते हैं, प्लान बनाना मुश्किल काम नहीं है, प्लान हम सब बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन हम उस प्लान का पालन कर पाते हैं या नहीं, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्लान बना रहे होते हैं तो हम अपनी असलियत से भागते हैं। अक्सर हम नए साल में सब लोग प्लान बनाते हैं कि कल 1 जनवरी है, नया साल है, इस नए साल में मैं रोज सुबह उठ के जॉगिंग करने जाऊंगा, रोज सुबह उठ के दौड़ने जाऊंगा, और आप देखेंगे 1 जनवरी को शहर पे भीड़ लगी होती है सुबह 5 बजे सैर करने वालों, और 10 जनवरी होते होते मकर संक्रांति आते आते जो है वो
सुबह की सैर करने वाले, फिर जनवरी की ठंड लगती है, मकर संक्रांति तक आते आते उसमें से 90% लोग वापस रजाई में घुस के सो चुके होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम प्लान तो बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन हम उसको 10-15 दिन से आगे तक नहीं ले जा पाते। तो प्लानिंग के साथ साथ जरूरी है आपके प्लान में कि आप कोई ना कोई प्लान में एक पॉज लें और उस पॉज में प्लान को रिव्यू करें। मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि पॉज का क्या मतलब है और रिव्यू का क्या मतलब है। कोई तो कारण होगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे पूरे समय काल को सेकंड में, मिनट में और घंटों में विभाजित किया, उसको दिन में विभाजित किया, उसको महीनों में बनाया, उसको साल में बनाया। क्यों किया लोगों ने ऐसा? इसीलिए ताकि हम अपने समय की प्लानिंग कर सकें। जब भी आप प्लान बनाएं, आपके पास एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए 12 महीने का। उसके बाद छोटे छोटे प्लान होने चाहिए 3-3 महीने के। आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो अपना प्लान बनाती हैं, सरकारें अपना प्लान बनाती हैं, तो ऐसे ही बनाती हैं। हमारा जो बजट बनता है, हम 12 महीने का बजट बनाते हैं और फिर हम 3-3 महीने का बजट बनाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां 3-3 महीने के लक्ष्य बनाती हैं, एक एक क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद एक महीने का, फिर एक सप्ताह का और फिर प्रतिदिन का। ये जो प्लान है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन की आपने क्या प्लानिंग करी है। और ये जो प्लान है, ये दो प्लान जो हैं, ये वो प्लान है जिस पे आपका काम होगा, साप्ताहिक और प्रतिदिन के प्लान। ये जो प्लान है आप एक बार बना के बस कागज पर रख देंगे, इसको हम कब कब देखना है हम इसके बारे में बात करेंगे। अब अगर हम पीएससी की बात करें, पीएससी का प्लान हम 12 महीने का बनाएंगे, उसको हम तोड़ेंगे 3-3 महीने में। जैसे अगर हम 12 महीने का प्लान बनाएं तो हम इस प्लान में कर सकते हैं कि हम 4 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, 4 महीने मेंस की तैयारी करेंगे, 4 महीने इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। ऐसा भी प्लान बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी प्लान बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे प्लान बना सकते हैं कि पहले 4 महीने प्रीलिम्स है तो मैं पहले 3 महीने जो है वो सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, 1 महीना मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, फिर जो 3 महीना है मैं सिलेबस को रिवाइज करूंगा और फिर 1 महीना जो है मैं मेंस की एग्जाम लेवल की तैयारी करूंगा। कुछ लोग ऐसे भी प्लान बना सकते हैं, कुछ ऐसे बना सकते हैं। आप सोचिए कि आप किस तरह का प्लान बनाते हैं। मैं आपको कोई एक आइडियल प्लान बनाकर नहीं दूंगा, लेकिन अगर इन दोनों में से प्लान मैं बात करूं तो ये प्लान डेफिनेटली उससे बेहतर प्लान है। इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की दो अलग अलग तैयारी नहीं होती है। जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस मेंस के सिलेबस का ही एक सबसेट है, मेंस का सिलेबस ही प्रमुख सिलेबस है। तो हमको शुरू से ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 3 महीने में हमको प्रयास करना चाहिए कि हम मेंस का वो सिलेबस कवर कर लें जो मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी है। आखिरी का एक महीना हम प्रीलिम्स के एक महीने पहले केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी करें और प्रीलिम्स के लिए रिवीजन करें। प्रीलिम्स क्लियर होते ही हम मेंस का वो पोर्शन कवर करना शुरू करें जो प्रीलिम्स में कवर नहीं किया था, पहले उसको कंप्लीट करें, फिर जो पहले कवर कर लिया था उसको रिवाइज करें और आखिरी के एक महीने जो है हम मेंस के लिए आंसर राइटिंग और उसकी तैयारी करें। ये एक ब्रॉड प्लान है। और फिर हम मेंस के बाद जो है रख दें कि 2 महीने जो है हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, 2 या 3 महीने। इंटरव्यू की तैयारी बहुत अलग होती है तो वो अलग से की जा सकती है। आप देखेंगे कि आपके पास ये जो 12 महीने हैं, उस 12 महीने में से लगभग 8 या 10 महीने ही है जिसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप ये 12 महीने का प्लान बनाएंगे, और आपके 12 महीने का प्लान एक पेज से ज्यादा नहीं हो सकता, आपका केवल एक पेज बहुत है। उसमें इतना लिख देना कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका क्या प्लान होगा, या जुलाई से लेकर अगले साल जून तक का क्या प्लान होगा, बस। और हर महीने के आगे बस केवल एक एक लाइन का लक्ष्य, ये इस महीने का टारगेट है, बस केवल इतना 12 महीने के प्लान में होना चाहिए। इससे ज्यादा डिटेल पर आपको नहीं जाना चाहिए। इससे ज्यादा डिटेल अगर आप आज बैठ के सोच रहे हैं तो आप वो कभी नहीं कर पाएंगे। केवल इतना सोचना है कि उस महीने में मैं मुझे मोटा मोटा क्या करना है। ये जो ब्रॉड प्लान है ये बनाकर पहले पन्ने पर आप रख दीजिए। अब आप 3-3 महीने का प्लान बनाइए। जब 3-3 महीने का प्लान आप बनाते हैं, जैसे आप अगर हम इस प्लान की बात करें, पहले 3 महीने आपने कहा कि आप सिलेबस कवर करेंगे उस पोर्शन का जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में है। इस प्लान में आप
ऐसा प्लान बनाइए कि मैं हिस्ट्री कितने कितने दिन में कर लूंगा, 20 दिन में, ज्योग्राफी कितने दिन में कर लूंगा, पॉलिटी कितने दिन में कर लूंगा, वगैरह वगैरह आप रफली बनाइए, और सबका टोटल जो है वो 90 दिन आना चाहिए। हो सकता है आपको लगे कि नहीं इतना, ये तो समय बहुत कम है, तो हो सकता है कि आपको इसके लिए और पुराने से प्लानिंग करने में आपको 6 महीने का समय देना पड़े। अब क्या आप 20 दिन हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो क्या आप 20 दिन तक लगातार हिस्ट्री पढ़ेंगे? क्या यह संभव है कि आप लगातार एक ही विषय सुबह से लेकर शाम तक 20 दिन तक पढ़ सकते हैं? ये आपको सोचना है कि क्या आप एक बार में एक विषय उठाएंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे, या आप रोज हर विषय थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ये हम सभी इंसानों की ये प्रवृत्ति होती है कि हम एक विषय में लगातार कई घंटों तक अपना रुचि बनाकर नहीं रख सकते, इंटरेस्ट बनाकर नहीं रख सकते। इसलिए जरूरी है कि आपके प्लान में कुछ ना कुछ वैरायटी होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये 20 दिन जो हिस्ट्री है ये 20 दिन में नहीं होगा, आप हर दिन आधा समय हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधा समय आप कुछ और पढ़ेंगे, यानी कि ये इसको करने के लिए वास्तविक रूप से 40 दिन लगेंगे, क्योंकि आप 40 दिन तक आधे आधे दिन हिस्ट्री पढ़ पाएंगे। ये भी आपके प्लान में कहीं ना कहीं लिखना चाहिए। ये भी आप एक पन्ने में जो है, एक पन्ने में एक तिमाही प्लान और ऐसे चार पन्ने में चार क्वार्टरली प्लान मोटा मोटा बनाकर रख दीजिए। ये जो एक महीने का प्लान है, इसमें भी मैं कहूंगा कि चारों क्वार्टर के प्लान नहीं, केवल जो पहला 3 महीना है, केवल पहले 3 महीने का प्लान बनाए। मैं फिर से रिपीट करूं, आपने पहले 12 महीने का एक प्लान बनाया एक पन्ने पे, सारे 12 महीने आप क्या करें, फिर आपने केवल पहले 3 महीने का प्लान बनाया और आगे के 9 महीने का प्लान अभी छोड़ दिया, अभी नहीं बनाया, वो कहीं ना कहीं आपने ब्रॉडली लिखा है कि आपको क्या करना है। फिर आपने ये जो महीना अभी आपके सामने है, इस महीने का प्लान बनाया कि इस महीने आपको कितना करना है, वो प्लान आपने फिर एक पेज पे उस एक महीने प्लान को डिटेल में किया। इसके बाद इस महीने के 4 सप्ताह जो होंगे, उन 4 सप्ताह का प्लान आपने लिखा, और जो ये सप्ताह है उसका डेली का प्लान लिखा। अब ये आपको लगेगा कि इतनी मेहनत तो केवल प्लान लिखने में, इसमें तो बहुत समय लगेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक कहावत जो अक्सर युद्ध में इस्तेमाल की जाती है, कि आप शांति काल में जितना अधिक पसीना बहाते हैं युद्ध में उतना ही कम रक्त आपका बहता है। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो आप जितना ज्यादा समय और डिटेलिंग इसमें लगाते हैं, और मैं कहूंगा कि ये इसको पूरी प्लानिंग करने में आपको 1 या अधिकतम 2 दिन लगने चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। जब मैं एक दिन की बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि 4 से 6 घंटे का समय पर्याप्त है इस प्लान को कागज पर उतारने के लिए। अब इसमें 12 महीने का प्लान बनाइए और छोड़ दीजिए, 3 महीने का प्लान बनाइए छोड़ दीजिए, केवल अगले 1 महीने का प्लान बनाइए, उसके बाद हर सप्ताह का प्लान बनाइए, और फिर केवल इस सप्ताह के प्रतिदिन का प्लान बनाइए, बाकी सारे प्लान रख के भूल जाइए। अब जरूरी है कि इस सारे प्लान में, हर वीकली प्लान में आप एक पॉज लें, जो किसी संडे को ले सकते हैं। हर हफ्ते के एंड में आप जब अपना वीकली प्लान बनाएं तो कभी 7 दिन का नहीं, केवल 6 दिन का प्लान बनाइए कि आप 6 दिन पढ़ाई करेंगे और 1 दिन जो है आप रेस्ट या रिव्यू या रिवाइज करेंगे, या तो रेस्ट करेंगे या रिवाइज करेंगे या रिव्यू करेंगे। इस 1 दिन को ही मैं पॉज कहता हूं। कहते हैं भगवान ने भी दुनिया बनाने के बाद 1 दिन का रेस्ट लिया था, और इसीलिए शायद उस 1 दिन को हम संडे के रूप में मनाते हैं। आप 6 दिन की प्लानिंग कीजिए और ये 1 दिन आप रेस्ट और रिव्यू के लिए कीजिए। क्यों जरूरी है ये करना? क्योंकि जब आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो आपके दिमाग में एक थकावट आती जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जितना सोचा था उतना किया कि नहीं। इस 1 दिन में, इस 1 दिन के पॉज में आप पॉज लीजिए, अल्प विराम लीजिए, पढ़ाई बंद हो जाएगी, उस 1 दिन के लिए पढ़ाई मत कीजिए, और सोचे कि आपने आप वापस उस वीकली प्लान पर जाइए कि आपने उस 6 दिन में क्या क्या पढ़ने का सोचा था, और देखिए कि आपने कितना पढ़ाई किया है। ये रिव्यू कीजिए, रेस्ट कीजिए, और फिर बैठ के अगले 1 वीक का प्लान, हर दिन का डेली वाला प्लान जो है वो आप फिर से कागज पर लिखिए। जो जो प्लान आप नहीं कर पाए और आपको लगता है कि आपने आवश्यकता से अधिक बड़ा प्लान बना लिया था जो आप नहीं कर पाए, आप उसको छोटा कीजिए और प्लान को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक बनाइए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार बनाइए।
अब इस रिव्यू आपको प्लान का कैसे करना चाहिए, दो एस्पेक्ट हैं जिस पे आपको अपनी पढ़ाई का रिव्यू करना चाहिए। एक टाइम के अगेंस्ट और एक सिलेबस के अगेंस्ट। यदि आपने 6 दिन का प्लान बनाया है तो 6 दिन में आप कितना सिलेबस पढ़ने का आपने सोचा है। अगर आपने प्लान किया है कि 6 दिन में 6 चैप्टर होने चाहिए थे तो आप क्या 4 दिन में 4 चैप्टर हुए हैं या नहीं हुए। अक्सर हम ये प्लानिंग जो है परीक्षा की 1 रात पहले करते हैं। हम लोग कैसी प्लानिंग करते हैं कि अभी परीक्षा शुरू होने में 10 घंटे बचे हैं, 10 चैप्टर हैं, हर एक घंटे में एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 10 घंटे में हो जाएगा। फिर हमारा ध्यान भटक जाता है, फिर हम देखते हैं 8 घंटे हैं, अब 10 चैप्टर हैं तो आधे आधे घंटे में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। फिर देखते हैं 4 ही घंटे हैं, अभी भी 10 चैप्टर बचे हैं, फिर लगता है लास्ट में कि चलो बस केवल कुंजी का उठा लेते हैं, 5 प्रश्न पढ़ लेते हैं, हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट मिनट का प्लान होता है। बट ये जो प्लान की मैं बात कर रहा हूँ ये लास्ट मिनट का प्लान नहीं है, ये परीक्षा शुरू होने के 6 महीने 1 साल पहले की आपकी प्लानिंग है, आप उसको उसी गंभीरता से कर रहे हैं। तो आप जब हफ्ते के एंड पे अपना रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने 6 दिन में जितना सोचा था, जितना सिलेबस किया है, तो क्या आपने जो अपने बड़े वाले प्लान में लिखा था जहां कहीं आप लिख रहे थे कि 20 दिन में इतिहास पूरा हो जाएगा, तो जिस गति से आपने इतिहास पढ़ा है क्या उससे 20 दिन में इतिहास पूरा हो जाएगा या नहीं? हो सकता है कि नहीं हो। तो आप वापस जाइए उस प्लान पे जो आपने क्वार्टर का 3 महीने का बनाया था और लिखिए कि ये 20 दिन में नहीं हो पाएगा, इसको करने के लिए 30 दिन लगेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ये आपके पर एक मेंटल प्रेशर बनाएगी कि आप आपकी स्पीड कम है या अधिक है और अगली बार आपको इससे ज्यादा तेजी से पढ़ना है या आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक तो टाइम के अगेंस्ट आप अपने प्लान को रिव्यू कीजिए, दूसरा सिलेबस के अगेंस्ट। जब मैं कहता हूं सिलेबस के अगेंस्ट तो पीएससी का सिलेबस है वो केवल इतना नहीं लिखता है, इतिहास ऐसे नहीं लिखता। यूपीएससी का पीएससी का सिलेबस कैसे लिखता है, इतिहास के अंदर जो है ऐसे 15 से 18 पॉइंट होते हैं हर सिलेबस में, फिर लिखा जाएगा किसी एक पॉइंट पे लिखा होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यह सिलेबस का एक पार्ट होगा। तो आप सिलेबस के अगेंस्ट कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए आपने उस समय जो पढ़ा आप ब्रिटिश इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, तो आप चेक करेंगे कि क्या ब्रिटिश इतिहास का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, क्या यह टॉपिक आपका कवर हो गया, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात हुई। अगर नहीं हुई तो केवल ब्रिटिश इतिहास आपने कर लिया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अभी आपका करना बचा हुआ है। इस तरह से जब आप सिलेबस को पढ़ते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं, तो आपको याद रखता है कि आपने ब्रिटिश इतिहास तो पढ़ लिया था लेकिन उसके अंदर एक एस्पेक्ट था कि उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वो एस्पेक्ट अभी आपका छूटा हुआ है, शायद इस किताब में नहीं है, किसी और किताब से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक हो सकता है ब्रिटिश इतिहास का भारतीय समाज पर प्रभाव, तो हो सकता है कि आपने जब पढ़ा हो तो उसमें समाज के प्रभाव के बारे में हो, तो आप जहां पे समाज पे प्रभाव लिखा है, या हो सकता है कि लिखा हो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, तो समाज पर प्रभाव तो हमने पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ा। ये जो मैं कर रहा हूं कि सिलेबस को ऐसे लिखकर उसमें एक एक शब्द को ऐसे काटता जा रहा हूं, इससे आपके दिमाग को पता चलता है कि आपने कितना प्रतिशत काम कर लिया है और कितना काम और बचा है। तो ये इस और इसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी गति जो है वो समय के हिसाब से कैसी चल रही है, और आपको जैसे हर हफ्ते के एंड में आप 1 दिन का पॉज लेंगे संडे को या किसी दिन, जितना पूरे हफ्ते का रिविजन करेंगे, वैसे ही महीने के अंत में 1 दिन का पॉज लें जो चौथा सप्ताह चौथा रविवार हो, और देखें कि इस महीने आपने जितना सोचा था उसमें कितना पढ़ा, और अगले आने वाले महीनों के प्लान को दोबारा लिखें। आपको लगेगा कि आप इस इतना समय केवल अगर प्लानिंग में करेंगे तो पढ़ेंगे कब, आप देख गौर करेंगे कि ज्यादातर जो तेज लोग हैं वो अपने समय का अधिकतम 5% समय केवल प्लानिंग में लगाएंगे, बाकी 95% समय वो करेंगे, और इससे उनकी सफलता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और आखिरी पॉइंट में इसमें यही बताना चाहूंगा कि आप इस पूरी प्लानिंग में कुछ समय जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए जरूर निकालें। आप अपनी गति देख लें, या तो आप एक
प्रति सप्ताह, अगर आप आपके अंदर बहुत एनर्जी और आप हर संडे को टेस्ट लेने की आप में हिम्मत है तो आप हर सप्ताह एक टेस्ट लेकर देखें, और अगर नहीं तो कम से कम दो प्रति महीने, यानी कि हर 15 दिन पे कम से कम एक टेस्ट आप लेकर देखें उस टॉपिक का कि आपने जो पढ़ा उसमें से आप कितना याद कर पा रहे हैं। अगर आप इस प्लानिंग के हिसाब से, इस प्लान के हिसाब से चलते हैं तो आप लगातार अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकेंगे। मैं तो यहां तक सजेस्ट करूंगा कि आप केवल एक कॉपी, जैसे हम अलग अलग विषय की कॉपी बनाते हैं, एक नोटबुक केवल आपकी प्लानिंग की नोटबुक होनी चाहिए, पतली सी, जिसमें आप केवल प्लानिंग करेंगे, वापस आके उसको रिवाइज करेंगे और उस प्लान को आप बार बार रिव्यू करते रहेंगे। ऐसे ही आप 3 महीने के एंड पे आप अपने प्लान को देखें और आप बार बार जो एक आपने एक पन्ने पे साल भर का प्लान बनाया उस पे वापस जाते रहें तो आपको पता चले कि आप अपने प्लान के हिसाब से कितना आगे बढ़े हैं और कितनी आपकी प्रगति हो रही है। तो मैं अगर इसको संक्षेप में फिर से बताऊं, आपके पास एक 12 महीने का एक प्लान होना चाहिए जिसको आप ज्यादा से ज्यादा एक पन्ने पे लिख लें। उसके बाद आप एक 3 महीने का प्लान बनाएं, इसको भी ज्यादा डिटेल में कर लिखने की जरूरत नहीं है, एक पन्ना बहुत है। फिर आप केवल पहले महीने का प्लान जो है इसको डिटेल में करें, जिसमें विषयवार आप बनाएं कि किस विषय को कितना, आप कितने चैप्टर किस विषय में पढ़ लेंगे। पहले सप्ताह का प्लान बनाइए और पूरे 6 दिन के प्लान बनाइए और 1 दिन जो है वो आप रेस्ट के लिए, रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए, और अगर आप कर सकते हैं तो उस 1 दिन एक टेस्ट के लिए वो समय निकालें। अगर आप इस तरह से अपना प्लान करते हैं तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। आखिरी 2 मिनट में इस पे लगाऊंगा कि हम 1 दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत बार बच्चे पूछते हैं, अलग अलग टीचरों से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मुझे 1 दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, मैं 1 दिन में 4 घंटे पढ़ूं, 6 घंटे पढ़ूं, 8 घंटे पढ़ूं। उसका सिलेक्शन हुआ था, उसने बताया कि वो 16 घंटे पढ़ता था, तो कितने घंटे पढ़ना अच्छा है। मेरा इसमें जवाब यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आपको कितने घंटे आपकी पढ़ाई समझ में आ रही थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैं कह रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि कितने घंटे वो पढ़ाई आपको समझ में आ रही थी। ये आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। हो सकता है कि आप पढ़ने के लिए 12 बजे बैठें और आप 4 बजे तक बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, दूर बाहर से देखने वाले हर व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आपने 4 घंटे पढ़ाई की। आपकी घड़ी भी बता देगी कि आपने 4 घंटे पढ़ाई की, आपके माता पिता भी बता देंगे कि आपने 4 घंटे पढ़ाई की, आपके दोस्त भी बता देंगे आपने 4 घंटे पढ़ाई की। केवल आपको पता है कि इस 4 घंटे में जो आपने पढ़ा कितने घंटे आपको आपकी पढ़ाई समझ में आ रही। इस पे अगर थोड़ा सा आप सोचें, जब आपने 12 बजे पढ़ाई शुरू करी, आपने शायद मुगलों का इतिहास पढ़ना शुरू किया, पहले 2-3 पन्ने पढ़ते तक आप अपना फोन देख रहे थे या आपको बाहर की आवाज सुनाई पड़ रही थी, आप किताबें अरेंज कर रहे थे। हो सकता है कि शायद पहले 30 मिनट तक आप अभी उस मूड में ही आ रहे थे कि आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई बैठे तो शायद आप 12 बजे थे, लेकिन पढ़ाई शायद आपकी 12:30 बजे तक शुरू हुई। हो सकता है कि पढ़ने के बाद अगले 20 मिनट लगे हों आपको, तब जाकर आपको कहानी समझ में आनी शुरू हुई कि बाबर हिंदुस्तान कब आया था, उसकी लड़ाई किससे हुई थी, वगैरह वगैरह आपको समझ में आना शुरू हुआ। तब तक करीब 50 मिनट निकल चुके थे। आप बाबर से पढ़ते पढ़ते जब तक हुमायूं और अकबर तक पहुंचे तो आपकी रुचि इस कहानी में कम होने लगी और आपको लगा कि मैं ब्रेक ले लूं, मैं बाथरूम चला जाऊं, मैं कुछ खा लूं। तो हो सकता है कि 1.5 से 2 घंटा पढ़ने के बाद आपका ध्यान भटकने लगा और फिर आप ये सोचने लगे, या आप किताब बंद कर कुछ और बात सोचने लगे, फोन चेक करने लगे। आपको ही पता है कि उस 4 घंटे में से कितनी देर की पढ़ाई आपकी समझ में आई। ये ईमानदारी आप किसी को मत बताइए, अपने माँ बाप को मत बताइए, दोस्तों को मत बताइए, सबको लगने दीजिए कि आपने 4 घंटे पढ़ाई की, लेकिन आप अपने आप से बताइए और कहीं एक लिखिए कि इस 4 घंटे में मेरी पढ़ाई दरअसल 1.5 घंटे हुई है। ये जो मैं इंजीनियर की भाषा में कहता हूं तो ये एफिशिएंसी है कि मैं कितने घंटे पढ़ने बैठा, उसमें से कितने घंटे पढ़ाई मुझे समझ में आई। आपको ये एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी है और आपको पता होगा कि ये कैसे करना है। पीएससी की तैयारी के लिए मैं कहूंगा कि जो ये समय है पूरे 24 घंटे में, अगर ये समय आपका
6 से 8 घंटे है। जितनी देर आपको पढ़ाई समझ में आती है तो आप पर्याप्त पढ़ाई कर रहे हैं। इससे ज्यादा किसी भी सामान्य व्यक्ति को एक दिन में पढ़ाई समझ में नहीं आ सकती। वो बहुत ब्रिलियंट होगा जिसका 6 से 8 घंटे से ज्यादा रिटेंशन टाइम है। तो आप अपना रिटेंशन टाइम देख लें कि 1 घंटा फोकस पढ़ाई के लिए आपको कितने घंटे बैठना पड़ता है। जैसे मैंने कहा 4 घंटे बैठ के केवल हो सकता है 1.5 घंटे पढ़ाई हुई हो सकता है कि जब आप 1 घंटा बैठे तो केवल 15 मिनट ही उसमें पढ़ाई हो पाती है। जितना आप लंबा और देर तक बैठेंगे उतना आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को माइंड को वार्म अप होने में टाइम लगता है। जब हम खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं तो पहले हम थोड़ा 1-2 चक्कर दौड़ते हैं, बॉडी को वार्म अप करते हैं, हम थोड़ा उठक बैठक लगाते हैं, हाथ पैर स्ट्रेच करते हैं, बॉडी उस फॉर्म में आती है जब हम खेलने जा रहे हैं। उसी तरह जब आप पढ़ाई करते हैं तो पहले 15-20 मिनट आपके दिमाग को वार्म अप होने में लगता है। किताब खोली है आपने, कलम उठाया है, माहौल बनाया, आप कुर्सी पर बैठ गए हैं या बेड पर बैठ गए हैं, और आप तो उतना टाइम तो वार्म अप में जाता ही जाता है, सबका जाता है। उस वार्म अप के बाद आपको पता है कि आप उस वार्म अप के बाद जितना लंबा पढ़ सकते हैं, या कहूं दूसरे शब्दों में जितना देर तक आप खेल सकते हैं, उतना ही आपकी बॉडी की स्टेमिना बढ़ती जाएगी, आपके दिमाग का स्टेमिना उतनी देर ज्यादा पढ़ने से बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करें कि कम से कम 1 सिटिंग में हम 3 घंटे 1 सिटिंग में बैठने का प्रयास करें। यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अमूमन हम 40 मिनट 1 घंटे में हम बोर हो जाते हैं। कोशिश करें कि हम 3 घंटे तक बैठें। क्यों 3 घंटे? क्योंकि पीएससी की सारी परीक्षाएं जो हैं वो 3-3 घंटे के पेपर के लिए होती है। आपको 3 घंटे लगातार एक ही विषय पर बैठ के परीक्षा देनी है। अगर आपको 3 घंटे लगातार बैठने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप परीक्षा में भी 3 घंटे का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एक बार में कम से कम 3 घंटे पढ़े। दिन भर में 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आपको याद रहनी चाहिए। कुछ लोगों को ये 6 घंटे की पढ़ाई याद रखने के लिए 10 घंटे पढ़ना पर्याप्त है, कुछ लोगों को 6 घंटा पढ़ना पर्याप्त है, कुछ लोग इसके लिए 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी एफिशिएंसी जो है ये बढ़े। आपको 6 घंटे याद रखने के लिए केवल 7 या 8 घंटे बैठना पड़े। अगर आप 3 घंटे बैठते हैं और उसमें से 2 से 2.25 घंटे आपका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में है तो आप बहुत अच्छी एफिशिएंसी से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसे 3-3 घंटे के 3 शिफ्ट बैठ पाते हैं, हर शिफ्ट में अगर आपका 2-2 घंटे आपको याद रह पाता है, बाकी समय आपका एडजस्ट होने में वार्म अप होने में चला जाता है, तो 3-3 घंटे के अगर आप 3 सिटिंग कर लेते हैं और 2-2 घंटे सब में आपका रिटेंशन है, 6 घंटे आपका रिटेंशन है, तो आप दिन में पर्याप्त पढ़ाई कर रहे हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा है, इतना करना भी आसान नहीं होता है। जो लोग आपसे कहते हैं कि 14 घंटे पढ़ाई करी, 16 घंटे पढ़ाई करी, वो 14 और 16 घंटे पढ़ने बैठते हैं लेकिन उसमें उनको याद जो है वो अधिकतम 6 से 8 घंटे का ही उनको याद रहता है। और जरूरी है कि इस पढ़ाई में आपको याद कितना रहे। लास्ट, ये 6 घंटे दिन के कौन से 6 घंटे होने चाहिए, इसका कोई एक थंब रूल नहीं है। ये आपकी अपने शरीर और आपके अपने मन पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को सुबह जग के पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोग देर रात को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग दोपहर में, कुछ लोग शाम में पढ़ना पसंद करते हैं। कभी इस प्रेशर में मत आइए कि सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रहे इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं रात को 10 बजे के बाद नहीं जग पा रहा इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा। आप जिस समय पर आपकी एनर्जी लेवल सबसे हाई रहती है, आपका मूड सबसे अच्छा रहता है, आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, वो सबसे सही समय है पढ़ाई के लिए। उस पढ़ाई का कोई सही समय नहीं होता। बहुत सारे लोग जो सुबह 5 बजे उठने पढ़ने का प्रयास करते हैं, उनको पढ़ते समय पूरे टाइम नींद आती रहती है क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती। इसीलिए आप नहीं उठ सकते सुबह 5 बजे तो मत उठिए। आप 8 बजे सो के उठते हैं, 8 बजे उठिए, 9 बजे से पढ़ने बैठिए। लेकिन अगर आप 9 बजे पढ़ने बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि 9 बजे बैठे हैं तो 12 बजे तक कम से कम मैं कुर्सी पे बैठा रहूं, पढ़ने के लिए बैठा रहूं। हो सकता है 3 घंटे में केवल 1.5 घंटा ही मुझे समझ में आया लेकिन बाकी समय केवल मैं बॉडी को वहां, शरीर को वहां पर बिठा के रख रहा हूं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, दिन को पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि सुबह जल्दी उठने पढ़ने से और देर रात को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप दिन में, जिसको मैं कहता हूं ऑफिस आवर्स में, आप 9 to 5 के विंडो में आप जितना ज्यादा पढ़ पाएंगे उतना ही आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। क्योंकि सारी परीक्षाएं जो इस देश में होती हैं वो इसी टाइम स्लॉट के बीच में होती हैं। पीएससी की परीक्षा भी सुबह 10 से 1 पहली शिफ्ट होती है, 1 घंटे का लंच होता है, 2 से 5 दूसरी शिफ्ट होती है। आपके शरीर को भी उस समय पर बैठ के लिखने और पढ़ने की आदत होनी चाहिए। यदि आप 100 के 10 बजे उठते हैं और रात को 4 बजे सुबह तक पढ़ते हैं तो आपको परीक्षा के दिन सुबह 9 बजे का एग्जाम देने में दिक्कत होगी।
इसलिए ना सुबह 5 बजे उठिए ना रात को 10 बजे के बाद पढ़िए। आप कोशिश कीजिए 7 बजे सो के उठें, 9 बजे से पढ़ाई शुरू करें, शाम के 6 बजे तक पढ़ाई करें, फिर उसके बाद रात को 9-10 बजे सो जाएं, तो भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि परीक्षा जो है वो उस समय में होती है, तो और परीक्षा क्योंकि 3 घंटे की होती है, इसलिए 3 घंटे एक सिटिंग में बैठने का प्रयास करें, और प्रयास करें कि जो दिन का सबसे एक्टिव समय होता है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ शोर शराबा होता है, उस दौरान आप कितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा भी आपको उसी समय में और उसी माहौल में देनी है। तो ये हमने प्लानिंग के बारे में बताया। अगर आप इस तरह से प्लान करके इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, जनरली किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपका एक बहुत टारगेटेड अप्रोच होगा और आप अपने अपनी तैयारी को बार बार रिवाइज कर पाएंगे, आप उस गोल की तरफ लगातार प्रयास कर पाएंगे और आप शत प्रतिशत गारंटी के साथ सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।